गोंदिया शहर के मुख्य जयस्तंभ चौक पर स्थित यहाँ का बस स्टैंड हमेशा एक व्यस्त स्थान रहता है, क्योंकि इस स्थान से बहुत से लोग विभिन्न शहरों और गांव में जाते हैं। यहाँ का बस स्टॉप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बस स्टॉप पर नागरिक आते जाते रहते हैं और अपने कार्यालय का काम करते हैं या मुख्य बाजार में जाते हैं, और छात्र भी बड़ी संख्या में इस बस स्टेशन का उपयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में यह बस स्टॉप अधूरी सुविधाओं के कारण चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है। गोंदिया शहर के जयस्तंभ चौक पर इस बस स्टॉप की समस्या को लेकर आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने विरोध की यह पहल की है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष तथा छात्र विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए बस स्टॉप का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य चौक पर स्थित यह बस स्टॉप विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे बैठने की सुविधा नहीं, शौचालय की सुविधा नहीं, प्रोसेसिंग रूम नहीं, ऊर्ध्वाधर रेल प्रणाली, और बस स्टॉप के पास ही घानी एम्पायर भी है। लेकिन प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी प्रशासन इस बस स्टॉप को लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहा। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने गोंदिया द्वारा इस स्थान पर एक हस्ताक्षर आक्रोश गतिविधि का आयोजन किया है और इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया है। मनसे नेताओं ने कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है और समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो 30 दिन के बाद मनसे शैली छोड़ देगी। अब नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन जागेगा और इस बस पड़ाव में सुविधाएं बन ऐसा है। सन 1998-99 साली अपने गोंदिया जिल्ह्याला प्रशासनाने मान्यता दिली, त्याच्या आधी वर्ष जवळपास 65-70 वर्ष झालेले आहेत। अजून आज पर्यंत गोंदिया हा प्रमुख शहर असल्यामुळे 8 तालुका आहे आणि 8ही तालुक्यांमध्ये महिला, आपले ज्येष्ठ नागरिक आपला गोंदिया शहरात येतात, शिक्षणासाठी येतात, रोजगारांसाठी येतात, व्यापारासाठी येतात, पण शहरामध्ये एकही सुलभ शौचालयाची व्यवस्था नाही आहे। अनेक पक्षाचे राजकीय जनप्रतिनिधीसुद्धा निवडून आलेले आहेत, आमदार आहे, खासदार आहे, नगरसेवक आहे। हा आमचा हा कार्यक्रम, हा जे तो कोण भडवा होता आशिष शेलार, त्यांनी आमच्या रायसाहेबांची नक्कल केली होती, एक विकासाच्या एक आमची नक्कल केली होती की त्यांनी एक आपला उपक्रम म्हणजे आंदोलनाची नक्कल अशी केली होती की एक सही विकासाच्या भविष्याची, ठीक आहे तुमच्या भविष्य काय आहे, आज गोंदिया शहरात एकही सुलभ शौचालय महिलांचे नाही आहेत, काय तुमचा विकास आहे हे सगळ्यांना, जनतेनं आम जनतेनं सगळ्यांना मालूम आहे। विकासांच्या थापा मारणाऱ्या नेत्यांकरता एक संताप आहे। वर्षानुवर्ष इतकी थांबलेली जे बस स्टॉपची प्रक्रिया आहे आणि याच्या आधी मनसेने हे आंदोलन केलं आहे, निवेदन केलं आहे, परंतु आजपर्यंत येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना जो त्रास होतो, प्रवाशांना, पावसाळा असो का उन्हाळा असो, किंवा जाणारे इथून शिकणारे मुले पण असतात, मुली पण असतात, त्यांच्याकरता ना कोणतीही सोयी नाही इथे, ना लॅटरीन बाथरूम काही नाही, थांबायची व्यवस्था नाही, त्याविरुद्ध हा मनसेचा एक संताप म्हणून एक संतापाची विरुद्ध एक अभियान आहे। करना ही पड़ रहा है, कब से पड़ रहा है। मैं खुद मारवाड़ी स्कूल से पढ़ी हूँ, यहाँ पे मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी शौचालय, मतलब वॉशरूम जाने के लिए, कहीं जाने के लिए। बॉयज़ लोग तो कहीं भी चले जाते हैं, लेडीज़ लोग कहाँ जाएगी, उनके लिए तो चाहिए होगा ना। और ये सब कर रहे हम लेडीज़ लोगों के लिए कर रहे हैं, क्यों लोगों को दिख नहीं रहा है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अब हम लोग कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए बस। इतना आलावर लेडीज साठी टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो त्यांना ही खूप त्रास होते इतना। आणि कोणाचं दुकानाच्या समोर बसले तर ते दुकानवाले रागवतात की आमच्या दुकानाच्या समोर उठा म्हणून। BC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर।